बैठो बैठिए, बताइए सर। ग्राम कनेक्टी के तहसील फूलपुर थाना बारिया में हमने सर पेट्रोल पंप का एक 1235/1 में जमीन लिया। अच्छा। और सारी औपचारिक तय पूरी करने के बाद में डीएम साहब द्वारा एक एनओसी भी जारी की गई। अच्छा। एक एनओसी किसने जारी की है? डीएम साहब ने। डीएम साहब ने एनओसी भी जारी किया सारे औपचारिक तहसील तय पूरी करते हुए। उसके बाद में फिर एक गुलई पूरक है सर्वेश कुमार मिश्रा, बहुत दबंग किस्म के हैं, राइफल लेकर सर चलते हैं। आज से 2-3 महीने पहले एक बार हमने काम लगवाया तो उन्होंने मेरा काम जबरन बंद करवा दिया। तो मैं फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से मैंने डायरेक्शन कराया, फिर उसके बाद हमने 3 तारीख को काम लगाया। मैं मेरा बेटा और आदमी लेकर के वहाँ गए, ईंटा उटा रख के साफ करवा रहे थे, मिट्टी गिराना था। अच्छा। फिर अपने आदमियों के साथ में ये आए, इस दिन के बाद फॉर्चूनर से चलते हैं आए सर। उसके बाद में ये हम मोबाइल को गाली देते हुए उधर से आए, उधर से उतरते हैं तो हमने कहा कि हमारा आप पहले फ़ोन किया हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है आपका कुछ न, उनका खतौनी में कहीं कोई नाम भी नहीं है, खतौनी में आज तक उनका नाम नहीं है, फिर भी वो हमारा रोक देते हैं। मोबाइल बंद कर दिए और हमको गाली देते हुए सर जान से मारने की धमकी देते हैं, बोले तुमको मार डालूंगा, तुम यहाँ पेट्रोल पंप लगाओगे। तो गए थाने में, गए थाने में, गए क्या हुआ वहाँ? थाने में गए साहब, थाने साहब साहब भगा देते हैं, कोई सुनते ही नहीं है, पैसा वैसा लिए हुए हैं कोई सुनता नहीं, वहाँ जाते हैं तो बोले कुछ नहीं हुआ है, तुम हंस के यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ये साहब मेरा मोबाइल बंद कर दिए, और करे पहले ये 3 आदमी इनके आते हैं सर, ये उनके सब जो है 3-4 मुसलमान वाले, ये हरे टी शर्ट वाले, ये बुलेट पूरा के लिए हैं मुसलमान हैं। आप काहे रोक रहे हो भाई? आप है का? आपका अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ये लोग कुछ है भी नहीं, ये लोग आते हैं उनके साथ। सीओ साहब से, एसपी गंगापार, एसएसपी साहब किससे मिले? एसपी साहब को सर अब गया था परसों, सर छुट्टी थी, एप्लीकेशन दे करके सर चला आया, वहाँ थाने भी केवल गया था, थाने वाले भगा दिए, कोई कोई कोर्ट में किसी कोर्ट में मामला। अब एसओ साहब के पास व्हाट्सएप पे भी इसको भेजा, बोला कुछ तो नहीं हुआ झगड़ा, तुम जबरन बताते हो झगड़ा हो गया। हमके साहब जब नहीं तो किसी कोर्ट वगैरह में डाला हुआ है मामला, कोई विवाद आपने अपना? नहीं सर, हमारा हाई कोर्ट का डायरेक्शन, इसमें हाई कोर्ट की कापी और मेरा एनओसी सब लगा हुआ है सर, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं सर, हमें मारे पीटे, मेरे लड़के को मारे, हमें भी मारे गए कि साहब FIR तो दर्ज कर लीजिए, और उन लोगों का नाम नहीं है, ये लोग जबरन तब भी आते हैं जगत है, कोई किसका इनका कुछ है भी नहीं, खतौनी में कहीं नाम हुआ कुछ नहीं है। दाता कौन है इनका? ये गुंडों के साथ में लेकर के आते हैं, ये रोकते हैं इन व्यू ऑफ जनरल काउंसिल फॉर पार्टीज रेड पिटीशन इज दिस प्रोसेस। तो मैं रुक जाऊंगा, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई तहसील का कोई कर्मचारी हमें रोकने नहीं आता है, ये कोई along with a certified copy of order, the above mentioned authority shall take appropriate action in accordance with the law after affording opportunity of hearing to the petitioner and other concerned person if any within next 4 weeks। तो ये लिखा तो है हाई कोर्ट में, लिखा कि आप SSP के पास जाओ, DM के पास जाओ। साहब थाने में काफी गई हुई है, वो लोग बुलाता हूँ आ ही नहीं रहे, बोले अपना SSP साहब ने क्या आदेश किया है? ये जो हाई कोर्ट का आदेश के कंप्लायंस में कोई आदेश हुआ है? आदेश नहीं सर, आप रिसीव, तो आप इसे कराइए ना, आप इसे इन्फोर्स कराइए, आप DM साहब से और इससे लिखित में आदेश कराइए, SSP साहब से करेंगे, उसमें लिखा हुआ है। कोर्ट का डायरेक्शन हुआ तो उन्होंने उनको रिसीव करा दिया, रिसीव करके काफ़ी थाने पर गई हुई है, वहाँ पर उनके पास है, लेकिन वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम कह साहब हमें प्रोटेक्शन तो दे दीजिए साहब, ये लोग जबरन मना करते हैं, कोई हमें प्रोटेक्शन नहीं देता है, ऊपर से हमें ही डांटते हैं। हमें हम प्रोटेक्शन दिलवा दें सर, और ये FIR दर्ज कर ले, ये लोग आते हैं गुंडे लोग, ये लोग हमको बोलते हैं तुमको मार डालूंगा, तुम यहाँ पेट्रोल पंप लगाओगे तो तुमको मार डालूंगा। बहरिया लगाना,
हेलो जय सर। जय हिंद। यहाँ एक व्यक्ति आए हुए हैं, सौरभ पटेल। सौरभ पटेल ये गांव कन्हैटी के रहने वाले हैं, थाना बहरिया। इन्होंने पेट्रोल पंप बनाने के लिए एक जगह ली, वहाँ पर अब जो बदमाश तंग कर रहे हैं वो बनने नहीं दे रहे। इन्होंने डीएम साहब से भी अनापत्ति ले रखी है। ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी जो एसएसपी साहब को और डीएम को डायरेक्शन कर रखी है। क्या दिक्कत है वहाँ पर, क्यों बदमाशी हुई? सर इन्होंने सर एग्रीमेंट करा रखा है सर एक व्यक्ति से, तो उनके जमीन से सटा हुआ सर एक प्रिंसिपल साहब है इंटर कॉलेज के, उनका जमीन है। अच्छा, तो उनके वो जमीन चूंकि रोड से मतलब पक्की सड़क होकर जाती है, तो उनका ये कहना है कि जो जब का निर्धारण है जैसे डाटा संख्या होता है उसमें हमको भी सड़क पे मिलना चाहिए था, और पूर्व से इन लोगों ने बाउंड्री बना करके ज्यादा हिस्सा जमीन मतलब सड़क पे ले लिया। तो यही विवाद सर, वो भी मतलब वो उनका आपत्ति है कि हमको भी मुख्य सड़क पे हमें भी जमीन चाहिए। इसमें डायरेक्शन ये है कि एसएसपी साहब और डीएम साहब को दोनों पक्षों को सुनेंगे, ठीक है? तो इसे या तो तहसील दिवस पे या थाना दिवस पर दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवा दीजिए, और जो निर्देश हो फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हम तहसील जो देख रहे हैं सर, डीएम साहब यहीं वहीं ठीक रहेगा सर। ठीक ठीक।